Tell Mamu to share his Jawani ki love stories with us. Pretty sure he was a hardcore playboy then. Oh, bache, Bushra Bibi. Bushra What do you mean about Jawani? Hai tenu budda baba itthe baitha nazar aa reha. Main itni mehngi cutting. Ye dekho bhai, itni mehngi ghadi. Shorts to dikhao. Why Mamu chose you for Fiza Bhabhi? I mean, what he actually saw in you or vibes in you? Jab Musa se meri pehli mulaqat hui aur mujhe mila, to mujhe bada... तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज अ बॉय मूसा खाना एंड विद मी आई हैव नासिर खाना. और आज का बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम चल रही थी कि मामू के साथ हमने क्यू एन ए करना था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड मामू स्टोरी इंटरेस्टिंग. मैंने फिर कहा कि एक क्यू एन ए वीडियो करते हैं इंस्टाग्राम पे. इफ यू हैवंट फॉलोड मी इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी और मामू को भी करो, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्यू एन ए का एक पोल, वो क्वेश्चन नहीं होता, लगाया. तो मैंने कहा था कि इनके साथ कर रहा हूँ, सो डू शूट योर क्वेश्चन. और गंदे और गलीज लाना तो तुम लोगों मुंह पे आधे लोगों ने इतने बुरे सवाल पूछे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे हैं और कुछ लोगों ने मुझसे डायरेक्ट भी पूछे हैं. हर कला राशा वो विल आंसर यू नो एज मच एज वी कैन. और इस सीरीज को क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा सवाल है, मैं आपको क्या बताऊं, इसको हम तीन वीडियोस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? लेट्स गो अहेड विद इट. बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. एंड बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन. नासिर खाना, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी, लेट्स गो फॉर इट. क्या है, पहले हंसना शुरू हो गया. क्या पूछ लिया आप लोगों ने? आर यू अ वर्जिन? किसने पूछा, तेरा नाम बता ले. गुडू बगैरत का नाम मैं ढूंढता हूँ, एक सेकंड. यार ये बंदा बहुत ही गंदे मंदे सवाल पूछता है. इसने पहले भी बड़े गंदा किया सवाल है. अच्छा वाला सवाल तो पूछा उसने. नहीं लेकिन डाउट है, उसने पूछ लिया. इसमें क्या कौन सी बात है? वर्जिनिटी खत्म करना, ठहर जा. नाज़िफ फैजी, यार बच्चे तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और माशाल्लाह तुम्हें पता मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ. सवाल तुम्हारा बड़ा जेन्युइन है, मुझे पता है. ये तो तुम्हारा सवाल है ना, ये मेरी शादीशुदा या बच्चों से ताल्लुक नहीं है. ये तुम्हारा जो सवाल है ना, ये इससे इसके मुतल्लिक है. आई नो वो पूछना आपसे इनडायरेक्टली चाह रहा है कि अगर उसके कोई मसला चल रहा है जिंदगी में तो उसके बगैर बच्चे कैसे आते हैं. वो तो खुद भी बच्चा है, इसी उम्र में ऐसे सवाल जागते हैं. अच्छा, अगर इस उम्र में ऐसे सवाल नहीं जागेंगे तो इसमें इनके टेक्निकली फॉल्ट. यस यस यस. तो तुम जरा मुझे पर्सनल मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारी ले लूं. मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं वर्जिन हूँ कि नहीं हूँ, और मैं ये तुम्हारी जो वर्जिनिटी है ना, इसमें भी मैं जरा बात करता हूँ. इसका भी कुछ करना पड़ेगा. ले आओ ले आओ, ये देखो, ये कॉफी भी आ गई. कॉफी भी आ गई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तेरी वर्जिनिटी मैं ऐसे कॉफी से डबो डबो के ना मैं तेरे खत्म करनी है. जरा सारी बातें छोड़. हाँ. पीस बड़ा टाइट है, थोड़ा पठान जा गया ये जो. नाज़िफ पीस तो बड़ा टाइट है, देखो जरा. मैं बड़ा इंप्रेस हूँ यार इसके इसके इस क्वेश्चन से. बच्चा सोना है. हाँ, टाइट पीस है. टाइट पीस है. ये दो पठान बैठे, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक होगा पूरा. बैकग्राउंड चेक. एक नंबर पठान और दो नंबर पठान. एक चीज जिसकी मैंने बात करनी थी, जो कि 40% क्वेश्चंस ये थे कि मामू की लाइफ स्टोरी, मामू की सक्सेस स्टोरी, मामू किस तरह अमेरिका के अंदर आए, कब तक आप चाहते हो कि ये आप सवाल का जवाब दोगे. और देखिए उसमें ये है कि हम हल्का फुल्का आज बात करेंगे उसके ऊपर. में इतनी चीजें इन्वॉल्व हैं कि सम टाइम इट्स रियली हार्ड टू डिस्कस. आजकल मेरा मूड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो मैं चाहता हूँ वो मूड अच्छा ही रहे. लेकिन मैं आपको जो हल्का फुल्का जोन सा है, मैं वो विल डिस्कस किस तरह चल रहा है सारा कुछ अबाउट माई बिजनेस लिटिल बिट. ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि जी मुझसे पर्सनल तौर पर भी बहुत से बच्चों ने मैसेज करके पूछा है, आपने इतनी महंगी घड़ी पहनी होती है, आपका घर इतना बड़ा है. इन सारी चीज़ों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि द पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल. पैसा होना या सारी चीज़ें होना, ये डोंट मिक्स इट विद दैट यू नो सक्सेस. तो इस पे भी मास्टर से बात करते हैं, लेकिन अभी मेरा वो पहले वाले सवाल पे बार बार ज़हन चला जा रहा है. अच्छा ये मजे का सवाल है, ये अरीबा उमैर ने पूछा, लड़कियां बड़ी आजकल फिदा है, क्या सीन है? I'm sorry, mommy. How is Mamu so cute? Like, what's the secret? What's the question? What the question right here? How is Mamu so cute? MashaAllah. MashaAllah. यार इस बच्ची की नजर जो उनसी है ना बहुत अच्छी है. बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन. आपने हीरे को पहचाना है कोयलों में से. जो आपकी जो क्यूटनेस है ना बेसिकली ये आपके जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, इससे बेसिकली आपकी जाहिर होती है. आप किस तरह बात कर रहे हैं, उनसे फेस इंप्रेशंस क्या हैं. अगर मेरे मुंह पे हर टाइम 12 बजे होंगे ना, और मैं कितना भी खूबसूरत क्यों ना हूँ, मैं चावल ही लगाऊंगा. माशाल्लाह मेरी ये तो दो मरले पे नाक फैली हुई है. बहुत से लोग मुझे कहते हैं मोटी नाक वाले या फलाना. इधर भी कोई हालात है, तेरी मोटी तनी पाइन तेरी मेरी आगे जा रही है ना, मैं गोलगप्पे के लिए मेरी सुराख करने के लिए. मुझे वो अक्सर स्कूल वगैरह में कॉलेज में कहते थे ना वो पकोड़ा नाक, तो मैं कहता था आज चटनी भी ना ले. तुम्हारे तो ये पीछे गार्डन में खुदाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है.
बुशरा 9.9 टेल मामू टू शेयर हिज जवानी की लव स्टोरीज विद अस प्रीटी श्योर ही वाज अ हार्डकोर प्ले बॉय देन ओ बच्चे बुशरा बीबी बुशरा की मीन अबाउट जवानी ए तन बुड्ढा बाबा थे बैठे नजर आ रहे जी की हो गया यार आज देखो पूरी कटिंग साइड से कर रही है ब्रेसलेट मैं इतनी महंगी कटिंग ये देखो भाई इतनी महंगी घड़ी है शॉर्ट्स दिखाओ हां ये देखो इतनी साफ टांगे किसी की देखी है भाई और नहीं मैं तुम्हारे हमें शेव कराता हूं फट हो गई यार साफ टांगे वो भी तो देखो सॉक्स कहां तक चढ़ी हुई है ये 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 बच्चे क्या हो गया आपको व्हाट इज द सेंस तो ये व्हाट इज दिस बिहेवियर बुशरा इट डजंट मेक सेंस जवानी अच्छा जी तो इसका जो जवाब ये है कि देखें स्पेशली जो टीन एज होती है उसमें ये सारे जो बच्चे तो वो बड़ी चार्मिंग लाइफ होती है अनफॉर्चुनेटली जो वो मेरी लाइफ थी वो स्ट्रगलिंग की लाइफ थी सो आई डिडंट गेट दैट मच चांस व्हाट आई एम डूइंग नाउ ये चीजें शायद आप लोग आज कर रहे हो वो जो टाइम था ना टू वेट फॉर दोस मोमेंट्स उस टाइम में मैं स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव दैट अब मैं कहूंगा कि नाउ अब मैं जवान हूं तो आप जवान से आधा एक और बच्चे ने पूछा अली बर्ज ने इज मामू अवेलेबल फॉर रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी रिश्ते रुश्ते को तो भाई ये तो जेन से निकाल दो हाँ बाकी डेट शीट अगर किसी ने करनी है अवेलेबल वो है ना वो इन द फेस जो है साइड पीस बच जा तुम से वर्जिन बॉय तुम मैं कि तेरे तंदूर से मैं रोटियां लाना जरा एसहोल चबा दे ओके ये भी पूछा काफी लोगों ने हुज़ैफा अनवर ने मामू बच्ची फंसाने का तरीका बताएं प्लीज अच्छा क्या तो बच्चा फंसाने का तरीका क्या नहीं नहीं बच्चे वो तो हम नज़ैफ से पूछेंगे बच्ची फंसाने का तरीका बता दे यार देखो बच्ची फंसाने का तरीका बड़ा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह देखो तुम लोग का जो मामू है ना वो कभी लड़कियों के पीछे भागा नहीं है Yes. लड़कियां पीछे भागी yes. जब आप किसी के पीछे भागते हो तो यू आर गिविंग अ चांस टू रन अवे फ्रॉम यू अपने आपको ऐसा बनाओ लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है अपनी ड्रेसिंग उसको इसमें इतनी रियलिटी लेकर आओ कि खुद लोग तुम्हारे पास चल के आए अब देखो तुम मेरी बात मान के तुम इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे यकीनन हर बच्ची तुम्हें भाई कह के बुलाएगी उसके पर बहन कम हो गई है तो बहन तो बनवाएं पता बात क्या है देखो सारे ना स्टेज से गुजरते हैं जहाँ पे ना बच्ची एक ना एक टाइम पे आपको भाई बुलाती है ठीक है मेरी इनफैक्ट जो स्टोरी थी पतला होने की और ये जिम जाने की वही थी कि एक लड़की ने भाई कहा था मुझे एक दफा भाई आगे जाके फिर चार भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये भाई बन के खुश होते हैं बॉयफ्रेंड वाली कोई वो नहीं है ये भाई बन के ही बाजी को देख देख के खुश हो जाते हैं डॉक्टर सिद्रा तैमून ने बोला डॉक्टर साहब का अच्छा सवाल है लाइक दिस वन हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ दिस मच फन लविंग एंड ऑलवेज हैप्पी टिप्स फॉर द पीपल हु वांट टू कम यूएसए दो सवाल है लेकिन हम पहले वाले का करते हैं हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ हैप्पी मच फन लविंग पर्सन ऑलवेज ये हमने शुरू में भी बात बहुत अच्छा सवाल है मैंने भी बताया कि जोन सा पहले जो पास था दैट वाज अ स्ट्रगलिंग देयर वाज अ लेस स्पेस टू लाफ एट दैट टाइम अब जोन सा है लॉट ऑफ पीपल दे सेड टू मी दैट यू नो हे अपनी उम्र देख रहे अपनी हरकतें देख वो जो बताना जो मामू कमर में टांगे तो पता नहीं है मामू ने जिम की जो लगाते हैं ना आप देखते होगे इनकी स्टोरी पे काफी ज्यादा ना मतलब कोई अपनी एक्सरसाइज करते हुए तो मुझे बता रहे थे एक बंदे ने मैसेज किया पायन थोड़ी एक टांग कबर च एक टांग थोड़ी उस एक ने मुझे लिखा कि भाई इस उम्र में अगर कोई हड्डी टूट गई तो जुड़ती नहीं है तेरा प्यो की में तेरा एक तो ये चीज भूल जाएंगे जी लोग क्या कहेंगे ये मूसा ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि लोग क्या कहेंगे मैंने रील बनाई थी जी डोंट केयर अबाउट पीपल डू व्हाटएवर यू थिंक इज गुड फॉर यू व्हिच कीप यू हैप्पी अब देखें मैंने ये नाइस ड्रेसिंग की हुई है मैं अपने तमाम दोस्तों को जानता हूँ उसमें से कोई भी मेरा एक ऐसा दोस्त नहीं है जो ऐसे शॉर्ट्स पहन के फिर रहा होगा या कोई उसने कोई चेन पहनी होगी या कुछ और ऐसे किया होगा वो आधे ज़हनी तौर पे बीमार हैं दे आर नॉट वर्किंग आउट यू नो उनसे जब भी बात हो मैं तो बीमार है यार पसली में दर्द मतलब उनकी जो माइंडसेट की भी तो बात है ना माइंडसेट वो बीमारी से शुरू होती है वो समझते हैं कि अगर वो 30 साल से ऊपर टप गए ना तो वो खत्म हो गए उनकी शादी हो गई बच्चे हो गए और स्पेशली बच्ची हो गई तो वो बूढ़े हो गए हैं उस बच्ची का गम लग गया अल्लाह माफी दे यार पता नहीं वो क्या समझते हैं तो इसलिए बच्चे जो आपके सवाल का जवाब ये है कि जस्ट डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाटएवर यू थिंक इज बेटर फॉर यू जस्ट डू इट इन अ वे दैट मेक यू happy.
वेरी गुड आंसर. और आई थिंक मैं इस पर अगर एड ऑन करना चाहूँ कि देखो हर चीज ना, मैं बात करता हूँ मोटिवेशन वगैरह की ना, कि हर चीज ना इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड. ठीक है, हो सकता है आप बहुत बीमार हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, लेकिन एक यू नो एंड्रयू टेट की भी बात थी कि बड़ी मजे की बात थी उसमें था कि दो बंदों को आप कब्रिस्तान में छोड़ो, एक बंदा जो बिलीव करता है जिनों भूतों के अंदर, एक बंदा जो नहीं करता. पूरी रात कौन डरेगा? व्हेन यू बिलीव ऑलरेडी इन योर माइंड, इवन दो यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, तुम्हें कोई मसले दिल के चले, लेकिन एक दिमाग में बैठा लोगे ना रॉन्ग नंबर की, मुझे ये रहना है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, एनर्जी की बात होती है. मुंह से छोड़ोगे ना तो जो कुदरत का निजाम भी है ना, वो ही आपके लिए नेगेटिव चीज ढूंढ के आप पे वापस अटैक करेगा. पॉजिटिव एनर्जी एग्जूट करनी है, स्पेशली व्हेन देयर इज बैड टाइम, तब वो करोगे ना तब आपका सही टेस्ट होता है. अच्छा, मैंने आते दसो तुसी एंड्रयू टेट दी गल कीती, उसी कब्रिस्तान च फड़े गए सी, उत्थे टिंड होई सी उहदी. If Mamu had a chance to revisit his teenage, what is the one thing he'd like to do that he didn't get to do in actual? सवाल बहुत अच्छा है. मैंने भी पहले एक जवाब दिया था कि जब मेरी जो teenage की लाइफ थी ना, बाइसाइकिल का शौक था, मेरे तमाम दोस्तों के पास बाइसाइकिल थी. फिर जब मेरे पास जब बाइसाइकिल आई, मेरे तमाम दोस्तों के पास मोटर बाइक थी. फिर जब मैंने पहले मोटर बाइक ली, उन सबके पास गाड़ियां थी. They were always one step. I was always behind. Yeah. मेरे वाले साहब ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमेशा जो हमारी ख्वाहिशें पूरी की, उनकी स्टोरी एक अपनी है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए. लेकिन बात यह है ना कि क्या थी, तो जब मेरी प्रायोरिटीज उस टाइम मेरी प्रायोरिटीज बाइसाइकिल नहीं थी, कुछ और थी, इसलिए मैंने या वो कंसीडर नहीं किया, नहीं यू गेव अप योर शॉर्ट टर्म प्लेजर फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल. तो वो मैं दोबारा अपने टीनेज में नहीं जाना चाहूँ. अगर मुझे चांस मिले भी ना, अब जो मैं अब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ ना, ये मैं उस जमाने में नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था. मैंने उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं की, जस्ट फोकस ऑन माय स्टडी. एक गोल बनाया हुआ था, आई हैव टू अचीव दैट गोल, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड. बट नाउ अगर मेरे 100 जानने वाले हैं, दोस्त मेरे हैं, सो आई एम द ओनली वन, और वो बेचारे मेरे पे वो रश करते हैं, वो कहते हैं यार यू आर लिविंग योर लाइफ व्हाइल दे आर नॉट, एंड दे वर बैक इन द डे, दे वर, सो आई एम एंजॉयिंग इट नाउ. देखो ना कितने पोले पोले सोने सोने बच्चों के साथ अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ. नहीं नहीं, सोना तो वही है, वर्जिन बॉय. एक ये सवाल जिसमें थोड़ी सी मेरे बारे में बात हो रही है, बट स्टिल क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं क्यों, ये अब्दुल गफूर ने पूछा है, व्हाई मामू चूज यू फॉर फिजा भाभी, आई मीन व्हाट ही एक्चुअली सॉ इन यू और वाइब्स इन यू. देखो उसके लिए ना मैं एक किसी ने सवाल किया था, और उसमें शायद मूसा तुमने मुझे ये भेजा था, ये मुझे भी किसी ने किया है. पहले उसमें जो क्वेश्चन था ना कि व्हाट्स द रिलेशन, ये मामू इज व्हाई सो मच क्लोज टू फिजा, पहले मैं उसका आंसर देना मुनासिब समझूंगा. सो फिजा इज लाइक माय डॉटर, शी इज माय अडॉप्टेड डॉटर, आई रेज्ड हर लाइक माय ओन डॉटर, और मेरी जो फीलिंग्स उसके लिए है वो ऐसे ही है जैसे कि दूसरे दो बेटों के लिए. बिल्कुल, तो उसके लिए जो सा है ना ये इतना क्लोज बॉन्ड एक रिलेशन है. अब यहाँ पर जो मेरा उसका ताल्लुक बन गया, अब एक बाप और बेटी का ताल्लुक बन गया, हर बाप की जो ख्वाहिश होती है वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है. देयर वाज अ कपल ऑफ प्रपोजल फॉर हर, काफी डिस्कशंस भी थी और काफी ऐसे भी चीजें थी जिसपे मुझे करना था. 7 साल मैंने पढ़ाया है, मैंने काफी लड़कों को पढ़ाया है, तो आई कैन जज पीपल पर्सनैलिटी इन जस्ट वन मीटिंग. जब मूसा से मेरी पहली मुलाकात हुई और जब मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझे ये जो इसमें सबसे एक अच्छा मुझे पॉइंट लगा कि वो सेल्फ मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट. 18 साल का एक बच्चा यूएस आता है और यहाँ से फिर वो दूसरे कंट्री जाता है, कोस्टारिका इन आउट उसने किया स्टेटस बदलने के लिए वीजा. मैं आया था विजिट वीजा पे भाई की शादी के लिए, बट F1 में मैंने ट्रांसफर करना, सो आई हैड टू गो अलोन कोस्टारिका. 18 साल का बच्चा वो अकेला ये सारी चीजें कर रहा है. फिर वो एक ये अभी जिस इलाके में हम रहते हैं आर्लिंगटन एरिया में, यहाँ पर तो काफी देसी है, लेकिन जिस जगह से ये पढ़ा है वहां पर तो कोई शायद देसी भी नहीं था. वेस्ट टेक्सास 4 साल आई वॉज विदाउट अ कार. मैंने मेरे यूनिवर्सिटी व्लॉग्स देखे होंगे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पैसे भी लिमिटेड होते थे और वो एरिया इतना डेड है, वहाँ पे कोई देसी नहीं था. आई वाज ओनली ब्राउन पाकिस्तानी वहाँ पे अकेला, सारे दोस्त गोरे थे मेरे या मेक्सिकन. तो ये जब सारी चीजें जब मैं इसको एनालाइज किया और मैंने कहा कि यार ही देयर इज अ स्पार्क इन दिस किड, बस वो जो चीजें हैं ना, और आई नो फिजा वेरी वेल, तो मुझे ये बहुत अच्छा एक पेड़ लगा. मैंने कहा कि नहीं यार ये जो उनसा है ना, पीछे भी मतलब उससे पहले भी कुछ और भी थे वो देखे, बात नहीं बनी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक बहुत अच्छा प्यारा सा बच्चा उन्हें बेटी के लिए चुना. मैं अपनी ना तारीफें सुनना चाहता था 2-3 चीज़ें. यार कहता मैं वहां मैं एक ही ब्राउन था, यकीन कर उसकी चिट्टी है सफेद है. यार उस दिन वो जब तुम पूल में नहा रहे थे पीछे समझ गया, मैंने देखा था. अब पिट्ठी बहुत चिट्टी है मेरी, देखा ना, मान गया ना. हाँ. ये व्हाइट है, ये ब्राउन नहीं है. बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि आज के ब्लॉग को ये हम यहाँ पे एंड करते हैं. बहुत ज्यादा हमने सवाल कवर किए हैं, तो अभी हम Part 1 को एंड कर रहे हैं इस वक्त. ठीक है, बिफोर यू गाइज गो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूसा खाना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूसा खाना चैनल. और अगेन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे और मामू को दोनों को. ए विल सी यू इन Part 2. सब्सक्राइब करें अगर गिफ्ट चाहिए तो. ओए हाँ, 50,000 वाला गिफ्ट, 50K पे पहुंचाओ फिर मामू का वो गिव अवे होगा. क्या पाकिस्तान में यूथ का फ्यूचर है अदनान नहीम? भाई यूथ का ये चूत का थोड़ी है.